Hello friends, welcome to another video of Power BI DEX functions. आज की इस वीडियो में हम चार एग्रीगेट फंक्शंस डिस्कस करेंगे जो कि है काउंट रो, काउंट ब्लैंक, डिस्टिंक्ट काउंट एंड डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक। ये चारों ही हमारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं और इनका सिंटेक्स क्या है, कैसे आपने इसको अपने डेटा के ऊपर अप्लाई करना है, ये आज की वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आपको देने वाली हूँ। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर डेटा की बात करें तो मेरे डेटा में मंथ, क्वार्टर, ईयर, चैनल एंड फोरकास्ट, ये सारे मेरे पास कॉलम्स हैं और इसी डेटा को मैं पावर बीआई में लोड कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इन डैक्स फंक्शंस को। डैक्स फंक्शन अप्लाई करने के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने टेबल लिया है, इस टेबल में मैंने ये सारी वैल्यूज जो हैं वो शो करवाई हैं और अब हम चलते हैं अपने डैक्स फंक्शन को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आप टेबल पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी न्यू मेजर, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं या फिर आपको होम टैब में भी यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी न्यू मेजर की। तो किसी भी जगह आप क्लिक कीजिए तो आप वहाँ पे डेक्स फंक्शन को अब आप इजीली लिख पाएंगे। तो फर्स्ट हमारा जो मेजर है वो है काउंट रो। काउंट रो जो आपका डेक्स फंक्शन है वो क्या करता है कि आपके टेबल में जितनी भी रोज हैं उसको काउंट करेगा। तो इसके लिए सिंटेक्स होगा काउंट और यहाँ पे है काउंट रोज, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके अंदर एक ही पैरामीटर आपने पास करना है, दैट इज योर टेबल नेम। और मेरे टेबल का नेम है टेबल वन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टेबल वन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर। तो इस मेजर की हेल्प से आपके इस टेबल में जितने भी रोज हैं वो कैलकुलेट होंगे और ये मेजर की वैल्यू आपको इधर टेबल में दिखाई देगी। तो देखिए काउंट रो नाम से हमारा एक मेजर क्रिएट हो गया है। इसके आगे आपको कैलकुलेटर शेप में सिंबल मिलेगा जो रिप्रेजेंट करता है कि ये एक मेजर है। अब हम विजुअलाइजेशन में चलेंगे और यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगी एक कार्ड ताकि हमें जो वैल्यू है इस मेजर की वो पता चल सके। तो हमारे पास टोटल रोज आ गई हैं इस टेबल की, दैट इज़ 28। नेक्स्ट हमारा जो डेक्स फंक्शन है दैट इज़ काउंट ब्लैंक। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये फंक्शन हमारा किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में कितने ब्लैंक आपकी रोज हैं उसको काउंट करके वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अगेन मैं न्यू मेजर पे क्लिक करूंगी। अब हम अपने मेजर का नेम लिखेंगे काउंट ब्लैंक इक्वल्स टू, फॉर्मूला का नाम भी हमारा काउंट ब्लैंक है तो काउंट ब्लैंक। यहाँ पे है आपका कॉलम नेम। जब भी आपने डेक्स में अपना कॉलम नेम लिखना है तो उससे पहले अपना टेबल नेम या फिर शीट नेम आपको लिखना पड़ेगा। तो मेरे टेबल का नाम है टेबल वन, तो टेबल वन में जितने भी कॉलम्स हैं वो सभी यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं क्वार्टर नाम से मेरा एक कॉलम है उसमें मुझे चेक करना है कि कितनी ब्लैंक रोज हैं, तो मैंने इसको एंटर करके एंटर प्रेस किया तो एक नया मेजर क्रिएट हो जाएगा और वो हमें बताएगा कि इस पर्टिकुलर कॉलम में टोटल कितने हमारे पास ब्लैंक रो। तो उसके लिए अगेन मैं यहाँ पे विजुअल ऐड करूँगी और इसमें काउंट ब्लैंक हमारा जो है, ये देखिए टोटल हमारे पास 8 ब्लैंक रोज हैं इन कॉलम क्वांटिटी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड हम डैक्स फंक्शन यहाँ पे सीखने वाले हैं वो है डिस्टिंक्ट काउंट। अब डिस्टिंक्ट काउंट का मतलब क्या है, ये एक ऐसा डैक्स फंक्शन है जो आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज काउंट करेगा किसी भी कॉलम में, प्लस ब्लैंक रो को भी ये इंक्लूड करेगा। डिस्टिंक्ट
वैल्यू का मतलब है वो वैल्यू जो रिपीट नहीं हो रही, उन सभी वैल्यूज़ को ये काउंट करेगा और उसमें ये ब्लैंक वैल्यू को भी काउंट करेगा। तो उसके लिए अगेन हम एक नया मेजर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मेजर का नेम, और यहाँ पे हम अपना डैक्स फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्टिंक्ट काउंट, और इसमें आपका एक ही पैरामीटर पास होगा, दैट इज़ कॉलम नेम। अगेन हम यहाँ पे पास करेंगे क्वार्टर, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो हमारा ये जो कॉलम है क्वार्टर नाम से, इसमें कितनी हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ ये मेजर कैलकुलेट करके हमें, हम यहाँ पे कार्ड इंसर्ट करेंगे, इस मेजर को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। तो टोटल 4 डिस्टिंक्ट यहाँ पे वैल्यूज़ हैं। तो अगर आप मेरा डेटा देख पा रहे हैं, सबसे पहले है Q3 1, सेकेंड उसने ब्लैंक लेना है 2, Q4 ये थर्ड हमारी डिस्टिंक्ट वैल्यू हो गई है, देन इज Q1। तो टोटल 4 डिस्टिंक्ट हमारे पास वैल्यूज़ है इंक्लूडिंग ब्लैंक, ब्लैंक को भी इसने एक वैल्यू काउंट किया है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट फंक्शन की तरफ, दैट इज डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक। इसका पर्पस है आपकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को काउंट करना, लेकिन ये ब्लैंक आपकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता है। जैसे डिस्टिंक्ट काउंट में हमारे पास ब्लैंक वैल्यू को उसने इंक्लूड करके हमें ये काउंट दिया है, लेकिन डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को काउंट करना है, जो डिफरेंट वैल्यूज़ है सिर्फ उनको काउंट करना है, ब्लैंक वैल्यू को काउंट नहीं करवाना। मेजर लिखेंगे, सेम वे में इसका भी सिंटैक्स लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मेजर का नेम, तो अभी मैं इसको दे रही हूँ नो ब्लैंक इक्वल्स टू डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक। इस फंक्शन पे आप टैप करेंगे, देन एक पैरामीटर आपने पास करना है कॉलम नेम। तो मैं सेम क्वार्टर जो है वो कॉलम नेम पास करूँगी एंड एंटर। तो नो ब्लैंक नाम से हमारा यहाँ पे एक मेजर क्रिएट हो गया है। अगेन मैं यहाँ पे कार्ड इंसर्ट करूँगी और उस कार्ड में हम अपनी वैल्यू को चेक करवाएंगे। तो देखिए इस टाइम हमारे पास वैल्यू आई है 3। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे ब्लैंक को भी इंक्लूड किया गया है, लेकिन डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक में ब्लैंक वैल्यूज़ आपकी इंक्लूड नहीं की जाती, सिर्फ जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं वही काउंट करके आपको आंसर जो है वो मिल जाता है। तो ये थे हमारे 4 एग्रीगेट फंक्शंस जिनको हम डेक्स में यूज़ करते हैं। तो इनके सिंटेक्स क्या हैं, किस टाइम पे आपने किस फंक्शन को यूज़ करना है। तो आई होप इस ट्यूटोरियल से आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।